सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जोस ऐप पे वीडियो को अपलोड कैसे करना है और अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। तो वीडियो का लास्ट तक देख लेना, यहाँ पे आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फाइनली गाइज, आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। इसके बाद आप लोग को करना क्या है, प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च बार में सर्च कर लेना है जूस ऐप। कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं, तो सिंपल अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लॉन्ग वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग वेज सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अलाउ कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं, जिस प्रकार आप टिकटॉक पे वीडियो देख सकते थे, अपलोड कर सकते हैं, सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी वीडियो देख सकते हैं और वीडियो अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे देख भी सकते हैं। जितने भी टिकटॉक स्टार हैं सारे के सारे इस एप्लीकेशन पर आ चुका है और इस पर काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर क्रिएटर भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है ऊपर की तरफ, फ्लोविंग और फॉर यू। जितने वीडियो वायरल हुए होते हैं वो आपको फॉर यू पेज में देखने को मिल जाते हैं और इस वीडियो पे मिलियंस में लाइक्स एंड व्यूज आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जोस ऐप वीडियो को काफ़ी तेज़ी से प्रमोट कर रहा है। इसके बाद आपको करना क्या, सिंपल यहाँ पे आपको मी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट करना है। तो सिंपल सबसे पहले मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फ़ोन पे एक ओटीपी आएंगे, ओटीपी ऑटोमेटिक आपको फिल हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है। थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल पर आना है और इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम यहाँ पे टाइप कर लेना है। सिंपल में यहाँ पे हम टेक्निकल शैलेंद्र टाइप कर देते हैं और यहाँ पे जोस यूजर भी चाहे तो चेंज करना चाह रहे तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बैक करते हैं। बैक करने के बाद सिंपल यहाँ पे आपको बायो में कुछ भी टाइप करना चाह रहे तो टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इसके बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है। इसे हम थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, एडिट प्रोफाइल पे आते हैं और यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है तो आप फोटो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रोफाइल पे आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो कोई भी फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं एक फ़ोटो लगा दिया और इसके बाद सेव कर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आता है, तो सेटिंग से देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप अबाउट भी चेक कर सकते हैं, लॉग आउट भी कर सकते हैं, फीडबैक भेजना है, किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से फीडबैक भी सेंड कर सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज चेंज करना है तो यहाँ से आप लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे हम बैक करते हैं। जैसे आप वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ तो आपको शो करेगा, नोटिफिकेशन भी आएंगे तो यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे लाइक कमेंट आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। इसके बाद होम पेज पर आते हैं। होम पे आने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे कि एक वीडियो है जिस वीडियो पे देख सकते हैं कितने लाइक है, यहाँ से आप लाइक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शेयर कर सकते हैं। शेयर पे करने के बाद इस वीडियो को अगर कॉपी लिंक करना चाह रहे तो कॉपी भी लिंक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो को डाउनलोड करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि वीडियो में कुछ गलत कंटेंट है तो यहाँ से आप वीडियो को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ वीडियो अपलोड कैसे करना है। सिंपल आपको प्रोफाइल पे आना है, नीचे की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंपल क्लिक करेंगे, अलाउड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट वीडियो भी शूट कर सकते हैं और यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ से एल्बम पर क्लिक करने के बाद मैं एक वीडियो सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट कर देना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो भी आ चुका है। इसके बाद सिंपल अपने हिसाब से यहाँ पे फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको हैशटैग यूज करना है तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रेंडिंग हैशटैग है तो यहाँ से आपको हैशटैग यूज कर लेना है। तो ये हैशटैग यूज करते तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इसके बाद सिंपल यहाँ से आपको पोस्ट कर देना है। तो इस तरह से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी इस वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ तो इसे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद किसी भी वीडियो के साउंड पे आपको वीडियो अपलोड करना है। सिंपल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो पे आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसी साउंड पे आप वीडियो को
अपलोड कर सकते हैं शूट करने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट आप वीडियो को शूट कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा से शूट करना है फ्रंट कैमरा से शूट कर सकते हैं, बैक कैमरा से शूट करना है तो बैक कैमरा से शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको जो ऐप में किसी प्रकार को प्रॉब्लम आते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोग किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।